गुरुवीरा कपड़ा रेडियो आपका स्वागत करता है। इस पॉडकास्ट में मैं आर्टिफिशियल ब्रीदेबिलिटी पर एक संक्षिप्त विवरण देने जा रहा हूँ। कपास लिनन से बने अधिकांश कपड़े सांस लेने योग्य होते हैं। प्राकृतिक फाइबर के कपड़े सांस लेने योग्य होते हैं, लेकिन वे वर्तमान दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं है। तो तकनीक को अध्ययन किया जाता है या प्रौद्योगिकी आविष्कार किया जाता है और अनुसंधान किया जाता है, और अभी भी वर्तमान खेलों, युवाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक कपड़ों की कृत्रिम सांस लेने की टेक्निक में अनुसंधान जारी है। इस वर्ग में मैं मुख्य रूप से नमी प्रबंधन और जलरोधक सांस लेने वाले कपड़ों पर कवर कर रहा हूँ। ये सभी आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। कृत्रिम सांस लेने की क्षमता ज़्यादातर पॉलिएस्टर बेस फैब्रिक और नायलॉन बेस फैब्रिक को दी जाती है। अब जो भी खेल संस्कृति है और कोलंबिया, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, हर्ली और कई अन्य जैसे ग्लोबल अपैरल ब्रांड पॉलिएस्टर आधारित इन कृत्रिम कपड़ों का उपयोग करते हैं। कपड़े और नायलॉन आधारित कपड़े कोटिंग या लैमिनेटिंग या झिल्ली के साथ बंधे का माध्यम से झिल्ली आधार कपड़े को दी गई अतिरिक्त परत के रूप में सांस लेने की क्षमता की पतली फिल्म है। यानी अतिरिक्त परत का मतलब है कि यह फिल्म या मेम्ब्रेन के पतले रूप में है, या झिल्ली या एक कोटिंग हो सकती है या कोई अन्य रूप हो सकती है। देखिए, हमारा मानव शरीर विश्राम की अवस्था में भी जल वाष्प छोड़ रहा है। सामान्य कमरे के तापमान और परिस्थितियों में 60 मिलीलीटर जल वाष्प या सामान्य है। शरीर गर्मी पैदा कर रहा है। मानव शरीर देखे या मानव शरीर रचना विज्ञान या शरीर की डिजाइनिंग बहुत जटिल है। यह भगवान द्वारा बनाया गया है। यह केवल विभिन्न अंगों और अन्य चीज़ों के शरीर रचना विज्ञान का संचय या कनेक्शन नहीं है। मानव शरीर में एक जटिल इंजीनियरिंग और टेक्निक है। वह बहुत जटिल इंजीनियरिंग है। यहाँ तक कि जो भी डॉक्टर है या विज्ञानी है, उन्हें अभी भी मानव शरीर रचना को समझाने की जरूरत है। कैसे भगवान ने इस मानव शरीर को बनाया? न केवल मानव शरीर बल्कि इस ब्रह्मांड के किसी भी अन्य जीवित जीवन। अब शरीर को गर्मी मिलती। पिछली कक्षा में पहले भी ही मैंने बताया कि एथलेटिक खिलाड़ी या जो कोई भी शरीर को हिलाने या व्यायाम करने, चलने या खड़ी मेहनत करते हैं शामिल है, मेहनत करने में शामिल है। शरीर जो कुछ भी ऊर्जा पैदा करने में शामिल होता है, गर्मी को छोड़ता है, पसीना या पसीना आता है, पसीना बाहर जाना पड़ता है, उसे आराम महसूस करना ठीक है।
शरीर जो भी गर्मी उत्पन्न करता है वह पसीना छोड़ता है। शरीर का पसीना पसीना या पानी के कण होते हैं या पानी के अणु होते हैं, यानी नमी के रूप में पानी की नमी है। वह नमी क्या है? पानी के अणुओं पसीने या पानी के अणुओं से बने पसीने की सामग्री है। वाष्प, जल वाष्प अंदर जारी है, यानी जो भी व्यक्ति खोल के कपड़े पहने, शरीर का कपड़ा मानव शरीर की त्वचा और कपड़े या परिधान पहनने के बीच का स्थान, उनके बीच के गैप पसीना या नमी उत्पन्न होती है। नमी पानी के अणुओं से बनी होती है, न कि पानी की बूंदों या पानी के अणुओं से। ठीक है, वह वाष्प अगर वह अंदर है तो व्यक्ति नरक में है। इसका मतलब है कि वह आराम नहीं है, वह ठंडा महसूस करना चाहता है, वह सूखा महसूस करना चाहता है। तो क्या हुआ अगर गर्मी का मौसम है तो सूती कपड़े का प्रयोग होता है, लिनन के कपड़े उपयोग में है। सूती कपड़े यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो गर्मियों में हल्के वजन के कपास या पानी के अणुओं को वाष्पित कर देता है और सूखने के लिए वेंटिलेशन होगा। लेकिन जब खिलाड़ी या एथलेट या कोई भी व्यक्ति बहुत व्यस्त कार्यक्रम में होता है तो उनका शरीर हिल रहा होता है। एक्टिव बॉडी रहेगी सिर्फ यहाँ ही नहीं, गर्मियों में क्या बात कर रहा हो, बल्कि स्पोर्ट्स पर्सन, माउंटेनियरिंग पर्सन, क्लाइंबिंग पर्सन, स्नोबोर्ड सर्फिंग पर्सन, स्पोर्ट्स एथलेटिक जो भी हो, उन्हें अपने आसपास के माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं, न केवल गर्मियों की जलवायु। यह विभिन्न देशों, विभिन्न महाद्वीपों की अलग अलग जलवायु हो सकती है। जलवायु के आधार पर उन्हें कपड़ों का न्याय करना और पहनना होता है। परिधान में व्यक्ति को क्या रखना है? आराम, ठंडे बर्फीले इलाके में भी उस अंदर ही अंदर गर्मी महसूस करनी पड़ती है, उसे मोटा कपड़ा पहनना है। ठंडे पहाड़ में कोई भी सैनिक सुरक्षात्मक कपड़े पहनता है, यहाँ तक कि सुरक्षात्मक कपड़े भी उसे हिमालय पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला में बहुत ठंड से बचा सकते हैं। ठीक है कि माइनस डिग्री तापमान पर भी वह कपड़ा रक्षा कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे आराम महसूस करना पड़ता है, उसे सांस लेना पड़ता है। जो कुछ भी उत्पन्न करता है पसीना या गर्मी की पीढ़ी को बाहर जाना पड़ता है। नमस्कार। Please subscribe to this channel. Click the icon bell to get the notification. Like it, share it. Thank you very much for watching this video.